ऐसा करो, ये चेयर दोनों जन आ जाओ, ये चेयर उठा के यहाँ यहाँ रख देना। तो एक बात मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए समझाना चाह रहा हूँ, रुकिएगा आप लोग, ठीक है आप सब लोग। वो बात ये है, जो लोग चंगाई ग्रहण करते हैं उन्हें चंगाई मिलती है, जो लोग छुटकारे को ग्रहण करते हैं उन्हें छुटकारा मिलता है दुष्टात्माओं से, जो लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या मिलता है पवित्र आत्मा। आप जैसा ग्रहण करेंगे वैसा ही क्या होगा, वैसा आपके लिए होगा जैसा ग्रहण करेंगे। अब देखिएगा, ठीक है, इस चेयर को मैंने क्या कहा, क्या कहा था भैया से उठाकर यहां रख दो, इसके नीचे यहां, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, दोनों ने उठाई और वहां रख दी। इन्हें कोई भी करंट नहीं लगा, क्या लगा, आना ऊपर आओ मेरे पास, थोड़ा सा नजदीक आओ। करंट का मतलब इन इन इन्हें कोई भी वो नहीं, बस कोई नहीं, यही खड़े रहो, इन्हें वो नहीं लगा, समझ रहे कि नहीं समझे, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ, कुछ नहीं, इन्होंने उठाकर वहां रख दी। क्योंकि इनके अंदर जो थी भावना ये थी कि पास्टर जी ने कहा है और इसको उठाकर हमें वहां पर रखना है, पास्टर जी को चाहिए होगा। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कोई बात कह रहा था, ग्रहण करने की बात कह रहा था, ठीक है। और अब उसी चेयर को यही लोग दोनों अभिषेक जो चेयर है, जितने भी भावना में वस्तुएं होती थी उन्हें अभिषेक किया जाता था और वो अभिषेक हो जाती थी, ठीक है। नीचे रख, तो उसी चेयर को अगर अब हाथ लगाएंगे, ये इस मन में ये भावना रखते हुए कि अब जैसे हम लोग हाथ लगाएंगे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, एक कदम से अभिषेक उतरेगा, तो और आप देखना इसको ये हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, इसके साथ आते ही एकदम से वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। So, आप दोनों आना ऊपर और इस ऊपर आ जाओ और इसको जैसे पकड़ा था वैसे पकड़ के देखो। अब आप देखिएगा, ये वही दो लोग हैं, ये वही दो लोग हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्या किया था, इसको उठाया और वहां रखा था। लेकिन उसके उस समय इनके अंदर क्या थी भावना, क्या थी, है ना, इसके इनके अंदर उस समय क्या भावना थी, इनको उठाना, राजेश को, इनको दोनों को उठाओ, उस समय इनके अंदर क्या भावना थी, है ना, ये भावना नहीं थी कि हाथ लगाते हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। इतनी बड़ी भीड़ थी और इतनी बड़ी भीड़ में से कोई नहीं, आप बैठो, प्रभु आप आशीष करे। इतनी बड़ी भीड़ में से एक औरत गई और उसने प्रभु यीशु मसीह का क्या पकड़ा, पल्ला, कपड़े को हाथ लगा लिया, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को हाथ लगा लिया और प्रभु यीशु मसीह एकदम रुक गए। परमेश्वर कहते हैं किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ, समझ रहे। चेले क्या कहते हैं, प्रभु जी किसने छुआ, आप कह रहे हो यहां तो इतनी भीड़ आपको छू रही है। परमेश्वर जी ने कहा नहीं,
भीड़ तो छू रही थी, इतनी भीड़ प्रभु यीशु के साथ, इधर हाथ लग रहे, इधर हाथ लग रहा, इधर हाथ लग रहा था, कपड़े के साथ लग रहे थे, चेले भी लग रहे थे। प्रभु यीशु जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। छू तो सारे ही रहे थे, तो इन्होंने जैसे पहले इस चेयर को छुआ और वहां लेकर गए, और अब छूने में क्या है अंतर था।